हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नगीना में। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा। तो चलिए देखते हैं कि पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दो पिज्ज़ा बेस, एक चम्मच पेरी पेरी मसाला, एक चम्मच विनेगर, 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 2 से 3 कटे हुए प्याज, 2 से 3 कटे हुए शिमला मिर्च, 1 कप मोजरेला चीज़, 1/2 कप मक्खन, 1 से 2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच नमक, 1 कप पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पर खुद बनाई है, आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। अब एक बड़ा बॉल लेंगे, फिर उसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, उसके बाद कॉर्नफ्लावर डालेंगे, फिर उसके बाद नमक डालेंगे, उसके बाद विनेगर डालेंगे, फिर सोया सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, अब इसमें हर्ब्स डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। फिर एक माइक्रोवेव का बॉल लेंगे, फिर उसमें सारा मिक्सचर डालेंगे, फिर इसे माइक्रोवेव में 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब सबसे पहले एक पिज्ज़ा बेस लेंगे, फिर उस पर मक्खन लगाएंगे, उसके बाद पिज्जा सॉस लगाएंगे, फिर उस पर मिक्सचर डालेंगे,
उसके बाद ऊपर से चीज़ डालेंगे। आप ग्रिल स्टैंड पर इसको डाल देंगे। अब इसे माइक्रोवेव के अंदर डाल देंगे और इसे 8 से 9 मिनट तक ग्रिल करेंगे। अब ये मेरा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इस पर मिक्स्ड हर्ब डालेंगे और पेरी पेरी मसाला डालेंगे और ओरिगेनो डालेंगे। अब ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पैन पर भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से दो पिज़्ज़ा बनाया है, एक माइक्रोवेव में बनाया है, एक तावे पे बनाया है। अगर आप पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। तो देखिए ये मेरा पैन पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।